जैन दोस्तों, ये देखिए मैं आ गया हूँ। हमारे ग्वाल बाबा का मेला रखा लगता है यहाँ पे, और जानवरों का जो अच्छे से सज धज के उनको लिया लाया जाता है, और फिर ग्वाल बाबा आते हैं और इसका आयोजन किया जाता है। और अब इसके आयोजन के बारे में हम किसी बूढ़े शाणे से पूछते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा बूढ़ा नज़र आ रहा है सुनील भाई। ये अपना ग्वाल बाबा का कब से भरा रहा है भैया? मैं तो अपना बचपन से ही देख रहा हूँ भैया। अच्छा, बचपन से देखते देखते यार 30 साल की उम्र हो गई। तो कुंवर चचा, ये कब से भरा रहा है जल्दी बताओ? जे जिंदगी हो गई, मतलब जब आप पैदा हुए थे जब से? और क्या, पहले से बांटने कई सालों से, कई वर्षों से रीति रिवाज चले आ रहे हैं ना। पूछो पहले, उम्र कितनी हो चुकी अब इससे पहले से? मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा बोले तो तुम ही हो। तो ये देखिए हमारे कुंवर चचा की तरफ से खीर, और ये हमारे धर्मेंद्र भाई हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, धर्म और देश के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और ये देखिए हमारे ग्वाल बाबा का प्रसाद, ये ग्वाल बाबा का प्रसाद है। और ये हमारे दीपेश भाई, दीपेश भाई जय श्री राम। जय श्री राम मेरे भाई, ये हमारे आनंद भाई, आनंद भाई क्या हालचाल? बढ़िया। ये हमारे वैरो बाबा, सोनू भाई क्या हालचाल? बढ़िया। जकात। अरे साहू जी, राम राम। अजा के बारे में बताओ, ये कब से भरा रहा हो? कोई बता ही नहीं पा रहा, कह रहा सब कह रहा है हम बूढ़े जब पैदा भाई जब से भरा रहा हो। कितने साल हो गए चचा जाए मेला? हाँ, बहुत 22 साल का तो हम ही देख रहे हैं, 22-23 साल। 22 साल से आप देख रहे हैं, और जब 35-35 साल वाले बता रहे हैं कि हम जब से पैदा हुआ है जब से ही भरा रहा है। सही बात तो है, सही है बात। तो जे मतलब अपने पूर्वजों से ही भरा रहा है, रीति रिवाज है ना, ऐसा ही लग रहा है। चलो ऐसा ही प्यार और प्रेम बना रहे अपने बीच में, आपसी भाईचारा। ये हमारे साहू जी, हमारे चचा पंडा जी भी आने में, हाँ अपने ज्ञान भैया आने में। ठीक है, ये इस तरह से महिलाएं हैं। अरे छगन भैया राम राम, ये मेला कब से भरा रहा जल्दी बताओ? हम वो समार जब से भरा रहा। अब जब से वो संभाला, जब से तुम पैदा हुए जब से ही? बता, कोई नहीं पा रहा यार, ये मतलब कई वर्षों से, तो कई वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है। चलो नहीं है, जो पुराना होगा। ठीक है, कौन बताएंगे? राम राम कक्का, कक्का राम राम। जो मेला कब से भरा रहा है वो, जो मेला कब से भरा रहा है वो, जो वारो गाय वारो? 10-12 साल। जयराम कक्का। चलो ठीक है, राम राम अंकल। जाके बारे में बताओ, जो कब से भरा रहा है वो? अपन अब जब से, जब तुम देख रहा है जब से ही भरा रहा हो। अरे मैं तो जब से पैदा हुआ जब से ही भरा रहा हूँ। तो समझ लो कितने साल है। चलो ठीक है, और मुझे आशीर्वाद तो दे दो 250 ग्राम। बढ़िया है, भगवान ऐसे ही देता है, खुश रखे। चलो आंटी, राम राम। राम राम भैया। राम राम योगेश भाई, एक बार डांस करना पड़ेगा मेरी शादी में फिर से। कर लेंगे जब अपनी मर्जी होगी की सरकार। राम राम कक्का, जब मेला के बारे में बताओ, जो कब से भरा रहा हूँ अपनों? बचपन से, आप भी बचपन से देखता है। जाको जवाब कोई नहीं दे पा रहा हूँ भैया के, जसन से भरा रहा हूँ। बूढ़े से बूढ़ो भी यही बोल रहा हो, जब से पैदा हुआ हो, जब से पैदा हुआ है, जब से जैसे ही देख रहे हैं मेला भी। हाँ भाई, जहाँ परंपरा चली आ रही है अपनी, है ना, चली आएगी और चलती रहेगी। और जहाँ परंपरा भी रही कि अपने बीच में हमेशा प्रेम भाव रहेगा भैया, बिल्कुल रहेगा। और अपन सब एक हैं, एक ही है, कोई जात पात नहीं, सब एक हैं अपन, जात पात में भेदभाव नहीं है, बिल्कुल अपन सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं। जय राम कक्का। नवल कक्का कुछ बताओ मेला के बारे में।
क्या बताएं? अरे बता दो यार, कुछ तो बता दो। ऐसे देख रहे हैं सदा, मतलब जब से आप पैदा हुए जब से भरा रही है। चलो ठीक है, कितना हैंडसम लग रहा हो लेकिन यार, मेरे से ज्यादा हैंडसम लग रहा हो, गलत बात है यार। क्यों? अरे यार तो मेरे को जलन नहीं होगी, आप मेरे से ज्यादा हैंडसम लगो है? नहीं नहीं, कम हैंडसम लगो थोड़ा। ये हमारे विशाल भाई। तो दोस्तों यही हमारी शबरी नगर के पास में ग्वाल बाबा का मेला भराता है, और अपने देश के लिए कुछ अलग और कुछ नया और कुछ स्पेशल करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हो।